हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के 1 सितंबर 2023 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये हमें पता करना है। तो अगर हम देखें यहाँ प्लस 9 हो रहा है, यहाँ प्लस कितना हो रहा है, 576 हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है हमारे पास 2304। तो ये जो है ये दोनों मतलब 576 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 144। तो इसमें से 144 माइनस करते हैं 199 में से तो हमारे पास आ जाएगा 55। और अगर हम देखें 19 माइनस करके तो माइनस 19 करने से यहाँ 36 आ जा रहा है। तो यानी 19 में हम 36 ऐड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करते हुए हम ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहा है कि इसका मिरर इमेज हमें बताना है। तो देखिए 2 है यहाँ पे, तो यहाँ ये तो नहीं आ सकते, ये हट गया। ये 2 जो है वो वाटर इमेज बना रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें ई हम नॉर्मली भी ऐसे ही लिखते हैं तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि 7 पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, 2 पीपल सिट ईच ऑफ राइट ऑफ डब्लू, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डब्लू, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी डब्लू की पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्लू, तो यहाँ देखिए 3 तो यहाँ नहीं हो सकते, तो यानी एस की भी पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई। U is immediate neighbor of T and X, ठीक है। X is not the immediate neighbor of W, यानी X यहाँ बैठेगा, T यहाँ बैठेगा और U यहाँ बैठ गया। V sits third to the right of T, यानी कि 1, 2 और 3, ये हो गया V, तो यहाँ कौन बचा, X नहीं, X भी बैठ चुका है, ये बचा Y, ठीक है। तो हु इज़ सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, तो ये हो गया वाई, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहा है कि इसमें हमें ये सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये या तो 3:3 का पेयर बन सकता है या फिर 4:4 का पेयर बन सकता है, 4:3 का पेयर बन सकता है या 3:4 का पेयर बन सकता है, राइट। तो अगर हम देखें इसको 3:3 का पेयर बनाते हैं, ये और यहाँ से कट, तो जे एम जे और जे और यहाँ पे भी जे आएगा। तो लास्ट में तो जे थे, ये हट गया, लास्ट में 2 जे हैं, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि HM12 इज़ रिलेटेड टू FK17 एंड EK18 इज़ रिलेटेड टू CI23, देन हाउ इज़ एक मिनट क्या GU14, ठीक है, GU14 रिलेटेड टू द सेम लॉजिक। तो H क्या होता है, 8 होता है, F होता है हमारे पास 6, M होता है हमारे पास 13, यहाँ हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 17, यानी यहाँ -2 -2 और +5 हो रहा है, ठीक है। तो G होता है हमारे पास 7, -2 होता है E, तो ये और ये तो हट गया। वहीं पर अगर हम देखें U होता है हमारे पास 21, -2 करेंगे तो हो गया 19, विच इज़ इक्वल टू S, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि 5, ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो 7 6 42 होता है और ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 16 अगर 95 से रिलेट करता है, 636 से रिलेट करता है, तो हमें इसका पता करना है। तो 16 × 6 अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 96, -1 करेंगे तो हो गया 95। वहीं पर 6 × 6 करने से होता है 36, -1 करेंगे तो हो गया 35। तो 13 × 6 करने से हमारे पास क्या आता है, ये आता है हमारे पास 78 और -1 करेंगे तो हो गया 77, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि सम फोटोज़ आर वर्सेस
तो सम फोटोज़ आर वासेज ऑल वासेज आर टॉल एंड सम टॉल आर बिल्डिंग. तो सम फोटोज़ आर बिल्डिंग, फोटोज़ और बिल्डिंग के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं दिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा. ऑल टॉल आर वासेज, तो हमें नहीं पता ये टॉल वासेज हैं कि नहीं, तो ये भी हट गया. और नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो जी जे जो होता है वो हमारे पास 10 होता है, जी होता है 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, यानी कि माइनस 3 चल रहा है. तो ए माइनस 3 कितना होता है, एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है कि अगर एल ई डी इज कोडेड लाइक दिस, बी एम डब्ल्यू इज कोडेड लाइक दिस, तो क्यू ई एफ कैसे कोड किया जाएगा. ठीक है, तो अगर हम देखें तो L का नंबर क्या होता है, L होता है हमारे पास 12, पर L का ऑपोजिट क्या होता है, O. O का कोडिंग होता है 15. E के ऑपोजिट में क्या होता है, तो इवनिंग से हमने याद किया था, तो V होता है, V का कोड होता है हमारे पास 22. वहीं D होता है, D का ऑपोजिट होता है W, W के नंबर होता है 23, यानी कि ऑपोजिट चाहिए हमें. Q का ऑपोजिट क्या होता है, तो Q का ऑपोजिट होता है हमारे पास J. जोक से हमने याद किया था, जोक इसका नंबर क्या होता है 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो अगर हम देखें यहाँ प्लस 3 हो रहा है, यहाँ प्लस 6 हो रहा है, ये प्लस 9 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 12 हो रहा है, और यहाँ पे हमें प्लस 15 करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 56. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये कह रहा है कि ये किस में एम्बेडेड है हमें पता करना है. तो ट्रायंगल के अंदर हमें स्क्वायर रेक्टेंगल चाहिए था, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एंड इन सर्टेन कोड डी इज कोडेड लाइक दिस, लैंड इज कोडेड लाइक दिस, तो एल क्या होगा. तो हमें देखिए डी ई एन जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन वाला हटा देते हैं. यहाँ 2 कॉमन है, 8 कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी कि L का कोड हो गया 3, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये कह रहा है कि 16 जुलाई 2011 अगर वेंसडे है, तो 16 फेब 2010 क्या होगा. ओके, तो हमें ये बेसिकली बैकवर्ड्स में जाना है, राइट. ठीक है, तो अगर हम देखें 2011 से 6 जुलाई 2011 से लेकर 6 जुलाई 2010 तक हमारे पास एक साल हो जाएगा, तो इसमें कितना ऑड डे होगा, 1 ऑड डे. वहीं पर अगर हम देखें इसमें एक्स्ट्रा कितने फेब हैं, तो 12 फेब हैं. मार्च का कितना डे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑड डेज, अप्रैल के 2 ऑड डेज, मई के 3 ऑड डेज, जून के 2 ऑड डेज, एंड जुलाई के हमारे पास बचे कितने, 6 दिन, राइट. तो 6 ऑड डेज. तो अगर हम इसको एलिमिनेट करें, 14 और ये हट गया, ये और ये भी हट जाएगा, और हमारे पास बचा कितना, 6 और 1, यानी कि 1. ठीक है, 1 ऑड डे बच रहा है हमारे पास. वेंसडे से 1 माइनस कर लेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू ट्यूसडे. तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है कि अगर हम देखें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो डी क्या होता है हमारे पास, 4, एच होता है हमारे पास 8, एल होता है 12, और ये हो गया 16, यानी यहाँ प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ प्लस 4 करके कितना आएगा, 20, टी 20 होता है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, एंड अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें पता करना है. तो अगर हम यहाँ देखें ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 6 7 इंटू 4, विच इज़ इक्वल टू 28, ये हो गया 28, 28 प्लस 13 इज 41, एंड 41 इंटू 4 करेंगे, फिर प्लस 13 करेंगे, तो ये आएगा इंटू 4 प्लस 13 इंटू 4 प्लस 13, तो इंटू 4 प्लस 13 कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 11601.
ऑप्शन नंबर टू जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ है इंटू 4+13 का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें इंटरचेंज करके करेक्ट वैल्यू पता करनी है। तो इंटरचेंज करके क्या आएगा, 121 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7+15 -23। ये गया कितना है, 11 टाइम्स 11 7 77 +15 -23 और ये हो जाएगा हमारे पास 69। यानी कि ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि ऑल बेड आर कवर्स, सम कवर्स आर थिक एंड सम थिक आर जूस। तो ऑल कवर्स आर बेड, तो ये वाले कवर हम बेड नहीं है तो ये हट जाएगा। सम थिक आर कवर, तो ये थिक जो है वो कवर है। यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज हमें पता करना है। तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, एल यहाँ चला गया, फिर एल यहाँ चला गया, फिर एल इधर आ गया एंड फिर एल इधर आया है। तो अगली बार एल को इस तरफ आना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में ही है, ओके। अब अगर हम देखें यहाँ पे इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है, ओ एंड बी ने, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। फिर ओ जो है वो नीचे आ गया है, ठीक है, एंड जेड जो है ये ऊपर चला गया है। फिर इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है, तो जेड को यहाँ नीचे आना था, तो जेड यहाँ नीचे है और यहाँ से ऊ को, यू को ऊपर जाना था, तो ये ओ हट गया है, यहाँ ये भी हट गया और यू सिर्फ इसी में है। तो ऑप्शन नंबर टू जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि इंटरचेंज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2+4 डिवाइड बाय 1-6 इंटू 8। ये हो जाएगा 2+4-48 और ये हो जाएगा हमारे पास -42। यानी कि ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।